नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। रानीपुर वन जीव बिहार को जल्द ही नेशनल पार्क से जाना जाएगा। अब बहुत ही जल्द रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट से जाना जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर लखनऊ से टीम भेज चित्रकूट के वन विभाग व सेंचुरी विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुवार को मारकुंडी क्षेत्र के डोडा माफी वीट में मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस मौके पर वन व वाणिज्य प्रतिपालक जीडी मिश्रा, डीएफओ कैलाश प्रकाश, रेंजर त्रिवेणी प्रसाद आदि वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कितने क्या जानवर, कितने क्या गणना वगैरह? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो प्रस्तावित है वो फिलहाल ये वर्तमान में जो सेंचुरी है इसके अंतर्गत हमारा पूर्ण इस समय हमारे पूर्ण प्रदेश में हमारे जो चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर साहब है उनके यहाँ से इंस्ट्रक्शन निर्देश जारी हुए हैं कि हर्बीवोर काउंट में हम जितने हमारे ये नॉन मांसाहारी वाले जानवर होते हैं, जो हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी वाले होते हैं, उनका काउंट करते हैं ताकि हमको उससे एक असेसमेंट लग जाए कि हमारे पास कितने जानवर हैं और कितना ताकि वो प्रे कितना है, वो प्रे बेस कितना है, ताकि जो बड़े वाले हमारे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में खाना है कि नहीं उसकी गणना करते हैं। और ये सिस्टमेटिक वे में करते हैं। आज होगा, 15 तारीख को होगा, फिर 23 तारीख को होगा। इसके लिए हमारी टीम सारी फील्ड में, मैं सारी जगह 3-4 जगह चेक भी करके आया हूँ। 8-10 किलोमीटर के मैंने भ्रमण किया है, तो हमारी टीम सजग है और इसके रिकॉर्डिंग्स कर रही है। खुद हमने 2-3 झुंड भी देखे, अच्छी संख्या में हिरण हमें दिखाई दिए, हनुमान लंगूर दिखाई दिए हैं, मोर दिखाई, बहुत अनेक प्रकार की चिड़िया दिखाई दी है। तो बड़ी अच्छी मैं कहूंगा हमारी हैबिटेट बहुत अच्छी है, वाइल्ड लाइफ यहाँ की बहुत चुस्त और दुरुस्त। अगर आप अंदर जाके घूमेंगे आपको पता लगेगा कि बाकी जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ सही है। पेश है मानिकपुर से राकेश सिंह की खास रिपोर्ट।